नमस्कार, हमारे चैनल राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्रत के आलू बनाना सिखाएंगे। व्रत का आलू बनाने के लिए हमने सामग्री इस प्रकार ली है। 5-6 मीडियम साइज के आलू बॉयल कर लिया है। बॉयल करके इसको छील के छोटे छोटे टुकड़ों में पीस काट लिया है। जीरा लिया है, देसी घी, सेंधा नमक, अदरक मिर्ची का पेस्ट, धनिया पत्ती। तो चलिए अब हम व्रत के आलू बनाना शुरू करते हैं। व्रत के आलू बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को हम इंडक्शन पर चढ़ा दिए हैं। अब हम उसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को हम अच्छी तरह से घी में मिक्स कर लेंगे। आलू को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। आलू गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप ज्यादा मिर्ची डाल सकते हैं। अब हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। अब हम सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारा व्रत का आलू तैयार है। अब हम इसको धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। अब हमारा व्रत का आलू तैयार है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आलू बहुत अच्छे बनके तैयार हुए हैं। प्लीज आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।